देवघर में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई संपन्न। गुलाम अहमद मीर बोले, हम लोगों ने टिकट कर लिया फाइनल, एक से दो दिन में गोड्डा लोकसभा का टिकट दिल्ली से होगा अनाउंसमेंट। देवघर में कांग्रेस पार्टी का गोड्डा लोकसभा समन्वय समिति की बैठक हुई संपन्न। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि एक से दो दिन में टिकट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस पार्टी के समन्वय समिति के सदस्यों ने ग्राम लेवल की रिपोर्ट के मुताबिक टिकट फाइनल किया है और प्रभारी ने बताया कि हम लोगों ने यहां से टिकट फाइनल करके भेज दिया है। दिल्ली से टिकट का अनाउंसमेंट होना है, इसलिए वहीं से एक दो दिन में टिकट की घोषणा की जाएगी। जामतारा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसे सभी लोग मानेंगे। इरफान ने बताया कि मुस्लिम समुदाय को टिकट मिलना चाहिए, जिससे गोड्डा के अलावा दूसरी सीटों पर भी इसका असर पड़ता। विधायक ने आगे कहा कि इस सीट को राज्यसभा से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने आप को इस दावेदारी से अलग होते हुए देखा और कहा, कांग्रेस पार्टी से लोग सवाल पूछते हैं और स्थानीय उम्मीदवार की मांग करते हैं, लेकिन बीजेपी से नहीं पूछते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो भी उम्मीदवार होगा वो स्थानीय होगा और सभी लोग आला कमान के निर्णय को मानेंगे। ठाकुर जी, हमारे आदरणीय मंत्री वादलाओ, विधायक साथी में से श्रीमती दीपिका जी, इरफान साहब, पूर्व सांसद आदरणीय कुरगाम साहब, कई सदस्य नेतागण मंच पर आसे, जिलों से आए हुए, प्रखंडों से आए हुए, प्रकोष्ठों से आए तमाम हमारे नेतागण, आप सबों के विचार पर हम सबको मुहर लगानी है और दिल से मुहर लगानी है। हम सब तो एक ही चीज देख रहे हैं कि केवल गुड्डा लोकसभा का सवाल नहीं है, सवाल देश का है कि देश के सामने चुनौती और कोई एक व्यक्ति रैंक एंड फाइल है। अल्टीमेटली चुनाव को हराना होता है वो कम्प्लीटली चार्ज है और इस लोकसभा में बदलाव के खातिर और यहाँ पर इनके साथ इनजस्टिस हुआ या नेग्लिजेंस हुआ वो ये सारे लोग समझ रहे हैं। खुद के म्यादे में इस बार हम देश में बदलाव लाएंगे और सो उसकी शुरुआत गोड्डा से। एक दो दिन में सीट शेयरिंग का क्लियरेंस आ जाए, यहाँ तो हम लोगों ने डिस्कस सारा कर लिया। अब चूंकि अनाउंसमेंट दिल्ली से आना है तो वहाँ से कल या परसों आ जाए और हमारी जो ग्राउंड सर्वेज है, वर्कर से बातचीत है और ऑलमोस्ट उसके कुछ दिन बाद में सीईसी भी बैठेगी, उसमें हमारे कैंडिडेट्स। सर एक सवाल और भी है, राज्यसभा इलेक्शंस के लिए इलाहाबाद को नॉमिनेशन होना है, आपने पहले भी कहा था देयर विल बी अ सिंगल कैंडिडेट, तो क्या आप कैंडिडेट के लिए कॉमन कैंडिडेट हो रहा है? कैंडिडेट्स को लेकर डिस्कशन कुछ हुआ है, कुछ अल्टीमेटली कल होगा और फाइनली जेएमएम कांग्रेस मिलाकर एक ही कैंडिडेट होगा और उसी को हम फाइल कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। राज्य के सभी कार्यकर्ताओं ने अपना व्यू और ग्रास रूट पे अपना व्यू उन्होंने दे दिया है और आलाकमान पर उन्होंने छोड़ दिया है, जो भी आलाकमान का निर्णय होगा हम लोग मानेंगे। लेकिन सर दावेदार बहुत है गुड्डा में, सिटिंग विधायक है जिसमें आप हैं, प्रदीप यादव हैं, बादल हैं, दीपिका जी हैं, चार मिले हैं हम लोग और विनिंग सीट है ये, क्योंकि अब ये मैसेज चला गया है कि स्थानीय वर्सेस बाहरी। अभी हमारे मीर साहब ने बहुत अच्छी बातें कहा, कांग्रेस पार्टी से आप पूछते हो कि स्थानीय को टिकट दें, बीजेपी से लोग नहीं पूछते हैं कि किसको टिकट, स्थानीय को टिकट वहाँ भी मिलना चाहिए। तो इसी तौर पर लोगों में तो एक मैसेज गया है और हमें यकीन है कि हम लोग ये सीट हर हाल में इस बार निकाल लेंगे। सीट तो निकालेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन बात है कि जो रिप्रेजेंटेशन देना होता है, तो बींग द माइनॉरिटी फेस ऑफ द पार्टी क्या चांसेज है? देखिए ये सीट गुड्डा लोकसभा सीट एक अल्पसंख्यक सीट है, पार्टी आला कमान से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि ये सीट माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, अगर एक सीट मिलेगा तो हर सीट पर इसका असर पड़ता है। इसको राज्यसभा से मत देखिए, राज्यसभा ने जेएम
जेब में ले लिया, अब वहाँ आपके एक नए अल्पसंख्यक को हम वहाँ एडजस्ट कर लिए, तो कहीं ना कहीं ये हमें लगेगा कि ये अल्पसंख्यक मतदाताओं पर इसका गलत असर जाएगा। तो राज्यसभा लोकसभा दे आर टोटली डिफरेंट थे, तो लोग खुल के मतदान करते हैं, हमें यकीन है आलाकमान जो भी निर्णय लेगा। कल डॉक्टर साहब बड़ा कार्यक्रम है आपकी कंस्टिट्यूएंसी में, एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है उस एरिया के पीपल की जो कल फुलफिल होने वाली है, कल क्या खास है? निश्चित तौर पर देखिए बहुत पुरानी मांग थी और राज्य का अब तक का सबसे बड़ा पुल हुआ, और ये जो पुल है हमें लगता है कि झारखंड की लाइफ लाइन होगा। इस पुल से न केवल जामताड़ा बल्कि बंगाल और बिहार, हमारे देवगढ़ बाबा नगरी और रांची से लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, साहिबगंज से भी लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत पुरानी मांग थी और जिसको हमारी सरकार ने पूरा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने मुझे पुल दिया था मेरी मांग पर, और विभाग कहिए कि वो इस पुल का जहाँ से शिलान्यास बना था नहीं करा पा रहे, लेकिन चंपई सोरेन जी जो हमारे गार्जियन हैं उनके हाथों से हम लोग पुल कराएंगे। हाँ सर, एक आखिरी सवाल, कल विधायक दल की भी बैठक रखी गई है रांची में राज्यसभा चुनाव को लेकर, तो वो समझ में नहीं आ रहा, कल हमारा कार्यक्रम है और कल देखते हैं फिर टाइमिंग अगर सेट हो जाएंगे। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।